सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से रोटेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 60 हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, गलत में बातें बंद कर दो अपना। शान देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास अगर आएगा तो आपको इसके बाद का जो भी चैप्टर है वो समझ में आने लगेगा, और सेंटर ऑफ मास ध्यान से पढ़ना जरूरी है इसमें। ठीक, नहीं दिख रहा लाहौल वाला, अब दिख रहा है। चलिए देखिए बेटा, सेंटर ऑफ मास क्या है। सबसे पहली बात तो सुनिए, सेंटर ऑफ मास में पहली बात ये, बच्चों ध्यान से सुनना, देखना रेंज ये हो गया क्या, ये है ना, और ये लाइन यहाँ खिसक गई, नहीं नहीं, अच्छा भाई ठीक। देखिए बेटा, सेंटर ऑफ मास में सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास क्या क्या है। सेंटर ऑफ मास बेटा, सबसे पहली बात तो रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास के बिना फिर रिजिड बॉडी का मोशन नहीं समझ में आएगा, है ना। रोटेशन में हम लोग रिजिड बॉडी का मोशन ही पढ़ते हैं, इसीलिए सेंटर ऑफ मास बहुत ज्यादा यूज होगा उसके अंदर। सेंटर ऑफ मास होता है कि वो पॉइंट जिस पर बॉडी का टोटल मास जो है वो कंसेंट्रेटेड होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। तो हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास लिखेगा द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी बी कंसेंट्रेटेड। यानी बेटा, जिस पॉइंट पर पूरा का पूरा मास कंसेंट्रेटेड होता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्लियर यहां तक, फिर सुनिए ध्यान से सुनिएगा। तो सेंटर ऑफ मास यहां तक हम लोग को समझ में आ रही है बात। अब सुनिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास यानी बॉडी का पूरा मास जिस पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड होता है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। यह बात ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से कि यह जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है या फिर बाहर भी। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, आराम से सुनिएगा, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहीं पर अगर थ्योरेटिकल सवाल मिलता है तो आप इसमें बिल्कुल भी भरोसा मत करें। सेंटर ऑफ मास अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास में लाई आउटसाइड द बॉडी, यानी बेटा सेंटर ऑफ मास में लाई आउटसाइड द बॉडी। आराम से सुनिएगा, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अब यहां पर बिल्कुल आराम से द नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, सेंटर ऑफ मास में आराम से सुनिएगा, सेंटर ऑफ मास में जैसे अगर ये कोई बॉडी है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेट अस सपोज दिस इज अ बॉडी और बेटा इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ठीक है ना। सपोज दैट ओ इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, यानी कि पूरा होल मास इस बॉडी का इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। इफ फोर्स एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, अगर बॉडी पे लगने वाला फोर्स, जो लाइन जिस लाइन पर फोर्स लग रहा, वो लाइन अगर सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, वो लाइन अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, या मान लीजिए एक से ज्यादा फोर्सेज लग रहे हैं, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स, और उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो एक फोर्स हो या एक से ज्यादा फोर्सेस हो, अगर एक से ज्यादा होंगे तो रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, एक केरी तो उसके घुस जा कद्दे में
देर बुद्धि, पढ़ा रहा हूँ ध्यान ही नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा, जरूरी बात कर रहा हूँ ना। देखिए अब यहाँ पर बेटा एक फोर्स लगे या फिर एक से ज्यादा फोर्स लगे, एक से ज्यादा फोर्स लगेगा तो वहां क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। एक फोर्स लग रहा है तो वही फोर्स देखेंगे रिजल्टेंट। अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास करता है तो बॉडी हैविंग ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, बॉडी हैविंग ओनली हाँ, तो अगर कभी भी सेंटर ऑफ मास से फोर्स पास करेगा बेटा तो बॉडी में कोई रोटेटरी मोशन नहीं होगा, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो बेटा आपने कई बार इसे फील कर, जैसे मान लीजिए स्मूथ सरफेस है और अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊं, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा दूं तो बॉडी टॉपल नहीं करेगा, पलटेगा नहीं, स्मूथ सरफेस है, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन भी तो लगेगा ही नहीं। अगर फ्रिक्शन होता, रफ सरफेस होता तो फ्रिक्शन लग जाता, फिर रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं। तो अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और यहाँ फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है तो बॉडी बिल्कुल नहीं पलटेगा, बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा। जैसे जरा बॉटल दीजिए अपनी, अब मान लीजिए बॉटल है और ये एक रफ सरफेस नहीं बल्कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब बेटा अगर मैं सेंटर ऑफ मास, सपोज दैट इधर कहीं जो लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास है, अगर यहां पुश करूंगा तो ये टॉपल नहीं करेगा बल्कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है और स्मूथ सरफेस पे ऐसे चलता जाएगा। अगर मैंने यहां पे फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाया और मैंने यहां पर फ्रिक्शन देख रहा हूं मैं, या मैंने पकड़ लिया, तो इसका मतलब मैं एक फोर्स नहीं लगा रहा, दो फोर्स लग रहे हैं। अगर यह रफ सर्फेस हो गया तो फ्रिक्शन भी लगना शुरू हो जाएगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट इधर से पास करेगा, नीचे हो जाएगा, रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर रहा, सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी दूसरे पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो टॉपल हो जाएगा, वो टॉर्क लग जाएगा। जैसे मैंने इसे पकड़ लिया और ऐसे फोर्स लगा रहा तो ये पलटने लगा, रोटेशन टर्निंग इफेक्ट मिल रहा है। टर्निंग इफेक्ट सोच दे कि जो फोर्स आप लगा रहे और यहां पर जो फोर्स लग रहा बॉटल पे नीचे, उन दोनों का रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है और सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करेगा तो वो रोटेट भी करेगा, वो टर्निंग भी होगा उसके अंदर। बोलो समझ में आ रही बात, आ रही समझ में? अब जैसे एक एग्जांपल और, जरा पेन देना प्लीज, पेन। अब मान लीजिए जैसे ये पेन है, अगर मैंने इसे ऐसे रखा, अगर मैं ऐसे करके मारता हूं, अगर मैंने सेंटर ऑफ मास फोर्स लगाया तो पेन का मोशन ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं और मार दिया तो पेन का मोशन ऐसा होगा, ये ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगा, क्योंकि फोर्स लगाया है तो आगे मोशन करेगा, चूंकि सेंटर ऑफ मास में फोर्स नहीं लगा है तो टर्निंग इफेक्ट होगा और सेंटर ऑफ मास के बाद घूमते हुए जाएगा। ठीक है, अगर मैं बॉडी ऐसे घुमा के फेंक दूं तो ये जो घूमेगा, जिस पॉइंट के बाद घूमेगा वो सेंटर ऑफ मास के बाद घूमेगा, किसके बाद घूमेगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास के बाद घूमेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है, आगे पढ़ेंगे हम। तो ऑलवेज जब भी ऐसे करके घुमा छोड़ देते हो तो अगर कोई बॉडी फ्रीली अगर मोशन कर रहा टर्निंग विद ट्रांसलेटरी यानी रोटेशन भी ट्रांसलेटरी, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के बाद घूमने लगेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास के बाद जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम होता है इस वजह से। क्लियर? अब यहां पर बेटा तो आपको याद रखना है, जब भी फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन मिलेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करेगा तो ट्रांसलेटरी के साथ साथ रोटेटरी मिलेगा। बोलो क्लियर? पहुंचे आराम से। किसी ने उस सवाल का जवाब ढूंढा था? अच्छा, कहां गया वो का वायर? हाँ, तुमने ढूंढा बेटा, तुमने एक सवाल पूछा था जो तुमने बताया पक्का? हाँ भाई, नहीं तो चेक नहीं करा बेटा, गलत बात है, नहीं आ रहा है। अच्छा छोड़ गूगल, तूने जहां से लाया था वो उससे पूछना, कोई पूछा था क्या तेरे से? मतलब मैं गलत था? नहीं,
अच्छा ठीक, अब मैं बताऊंगा कल, मैं बताऊंगा अच्छा। देखो ये कुछ एंटी सोशल बैठे हैं आराम से। अरे अरे सुनी दीदी सुनी दीदी झांसी में से बात कर रही है, मिठाई मिठाई। शांत मिटा दो बच्चों, देखिए अब यहां पर बेटा सभी लोग ध्यान से सुनिए प्लीज। अब देखिए सेंटर ऑफ मास में बेटा ये बात तो क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ मास की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। यहां पर बेटा इस चैप्टर में ये छोटा चैप्टर है और इसमें तीन सेक्शन है सिर्फ, वो तीन सेक्शन हम ठीक से सीखेंगे। पहला सेक्शन है कि सेंटर ऑफ मास हम पार्टिकल का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का और बॉडीज का फाइंड करना सीखेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा हम सीखेंगे सेंटर ऑफ मास का मोशन, इस सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे सॉल्व करते हैं। और तीसरा सीखेंगे सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम, और यही तीन टॉपिक पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान है यकीन मानो, बस फिक्स्ड कंसेप्ट है वो आपको सीखना बहुत ईमानदारी से। तो देखिए यहां पर बेटा जैसे देखिए सबसे पहली बात हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ, सुनिए आराम से पहले मेरी बात सुनिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखिए पहले आराम से समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं, फिर आप आराम से लिखते रहिएगा, पहले समझिए जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर लिखा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखो बेटा पोजीशन के लिए जाहिर सी बात है एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहां पर बेटा मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जिसका मास है एम वन और ये कोई दूसरा पार्टिकल है इसका मास है एम टू। यहां पर बेटा इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन, एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स वन, वाई कोऑर्डिनेट इज वाई वन एंड जेड कोऑर्डिनेट इज जेड वन। इसका कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू और जेड टू है। अब आराम से सुनिए मैंने यहां पर इस डायग्राम में दो ही पार्टिकल दिखाया है एम वन और एम टू। अब यहां पर देखिए बेटा ये जो है M1 और M2 ये एक सिस्टम है, सिस्टम हम तब बोलते हैं जब ये आपस में दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल द सिस्टम। तो M1 M2 पार्टिकल दो ही पार्टिकल का एक सिस्टम मैंने माना, मुझे M1 और M2 का जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। देखिए बेटा इन केस ऑफ पार्टिकल जैसे अभी दो पार्टिकल का एक सिस्टम है तो इसमें जो सिस्टम जो दोनों पार्टिकल का इसका सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो सेंटर ऑफ मास इन्हीं दोनों को मिलाने वाले लाइन पर आएगा, यानी सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस सिस्टम का वो इस लाइन पर आएगा जिस लाइन को ये जॉइन कर रहा है, दोनों पार्टिकल को जॉइन कर रहा जो लाइन, इसी लाइन पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। अगर दोनों मासेस इक्वल हैं तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा, जैसे कि ये मास और ये मास इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा। अगर ये मास हैवी है और ये मास लाइटर है, यानी ये हैवी है और ये कम मास का है तो सेंटर ऑफ मास हैवी वाले मास की तरफ होगा। अगर ये हैवी है और ये हल्का है तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ होगा। जैसे होता क्या बेटा थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर मैं आपसे कहूं 5 केजी का बॉडी है और यहां पर भी 5 केजी का बॉडी है, ये एक डंबल है, मैंने कहा बेटा डंबल को एक उंगली से उठाना है और टर्न नहीं हो, तो आप बोलेंगे यार 5 केजी और 5 केजी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास जहां पर है तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स यहीं पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है 5 और 5 मिलाकर 10 केजी है, तो सोचेंगे 10 केजी इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, यहीं पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा 10 जी एंड व्हेन यू अप्लाई द फोर्स एट दिस पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू 10 जी और एकदम सेंटर ऑफ मास पर आपने फोर्स लगाया है तो ये बिल्कुल ऐसे करके आप पकड़ के रखिए, ये ना इधर झुकेगा ना इधर झुकेगा,
बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज की सेंटर ऑफ मास पे जब आप फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो देखिए बीचों बीच आप लगा रहे हैं फोर्स ना सेंटर ऑफ मास यहां पर। अगर आप गलती से सेंटर ऑफ मास पे फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी टर्न होने लगेगा और हो सकता है बैलेंस हो गए ना अनबैलेंस हो गए नीचे गिर जाए। तो यहां पर बेटा सेंटर ऑफ मास पे आप फोर्स लगाएंगे तो आप इसे रोक सकेंगे। तो यहां पर क्या होता है, मासे जब सेम होते हैं तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। अगर ये हैवी है तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं 15 kg और इधर 5 kg, इधर मैं 15 कर दूं उधर 5 कर दूं, गलती से आपको नहीं पता कि ग्रेविटेशन फोर्स कहां पे लग रहा है। ग्रेविटी तो हर जगह लग रहा है, यहां भी 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 लग रहा है, हर छोटे छोटे पोर्शन में ग्रेविटी लग रहा है। इस पूरी ग्रेविटी का जो नेट फोर्स होगा सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। अब जिसमें 15 kg सेंटर ऑफ मास तो यहां पर है दरअसल, यहां पर बेसिकली वो दिखाई थोड़ी देगा, लग रहा है यहां पे 15 kg, टोटल ग्रेविटी का जो नेट टोटल होगा वो यहीं से पास करे 15 kg। अब आपने अपना बीच में उठा दिया ऐसे तो ये टर्न होकर के अनबैलेंस होकर गिर जाएगा। आपको सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाना पड़ेगा, यहां सेंटर ऑफ मास है आपको फोर्स यहां लगाना पड़ेगा, तब जाकर के बिल्कुल टिका रहेगा। जैसे आप देखे होंगे, आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है एक ऐसा घर में सजावट का सामान एक जगह मैंने देखा था जिसमें क्या था, ऐसे स्टैंड बना हुआ था ऐसे, और एक जो है एक पक्षी का केवल चोंच यहाँ पर है और वो पक्षी जो है पूरा हवा में ऐसे करके उसका पूरा ऐसे वो ऐसे करके और चोंच यहाँ केवल फंसा हुआ है। आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा था उस पक्षी को, एक खिलौना था जिसमें केवल चोंच इस स्टैंड पे फंसी हुई थी और ये पूरा पक्षी हवा में ऐसे झूल रहा है। कारण देखिए, मैंने फिर इसको ठीक से देखा, मैंने देखा कि उसके जो पंख हैं वो इधर की तरफ है ऐसे लंबे लंबे हैं, जो दूसरी साइड है, जो दूसरी साइड है इसके चोंच से इधर की तरफ ये पंख है, और यहाँ पे हैवी मास भी लगा हुआ था ताकि इधर मास और इधर का मास पूरा सिस्टम का सेंटर मास इसकी चोंच पर आ जाए। ठीक है, इसकी चोंच पर सेंटर मास आ गया, इसको फंसा दिया ऐसे ताकि पूरा पक्षी ऐसे हल्का मारते झुकता था, ऐसे ऐसे करता था, ऐसे घुमाने भी लगते थे, ऐसे कर लो घूमने भी लगता है। आपने नहीं देखा होगा, मैंने इसे कई बार देखा है मुंडी पर करके। एक मिनट, ये बात क्लियर है बेटा? बिल्कुल, सुनिए ध्यान से, यह बात बहुत क्लियर है, सुनिए ध्यान से। अगर कोई आपसे कहे कि मान लीजिए ये ओरिजिन है, मान लीजिए ये ओरिजिन है, और बोले यार एक मास इधर है M1, एक मास इधर है M2, अब मुझे बताइए क्या इन दोनों पार्टिकल का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे हो सकता है? नहीं। अगर ये दोनों है केवल तो सेंटर ऑफ मास इसको मिलाने वाला लाइन, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दोनों को, उसी में कहीं बीच में होगा। अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर लाना है तो कोई थर्ड मास होगा और कोई तीसरा मास आपको रखना होगा। कहां रखेंगे? तो इधर की तरफ ये सिस्टम M1 M2 का, तो इधर की तरफ M3 को रखना पड़ेगा, M3 को इधर रखना पड़ेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, वो हम लोग कैलकुलेट करना सीख रहे हैं ताकि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पर बेटा ये जो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। अब यहां पर बेटा, अब हमें मान लिया कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, और ये सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है x.com y.com z.com। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, y.com z.com अगर ऐसे है तो यहां पर बेटा हम इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे। अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है या तीन पार्टिकल का सिस्टम है, चार पार्टिकल का सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अगर पूछेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सुनिएगा ध्यान से, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुनिए, एक्स कोऑर्डिनेट होगा x.com = फॉर्मूला आता है बेटा m1 x1, यानी पहला पार्टिकल उसका मास इनटू x1 प्लस m2 x2, ये तो दो का लिखा मैंने, अगर तीन होगा तो m3 x3, ये सीक्वेंस आगे जारी रहेगा, अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस .. इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट पता करेंगे। लाइक वैसे ही अगर y कोऑर्डिनेट बोलेगा कि सर y कोऑर्डिनेट बताइए, तो लाइक वैसे ही y.com लिखेंगे बेटा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस .. अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये मत बोलना कि वो मास है जो केवल y एक्सिस पे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, टोटल मास,
है ना, मास वो कहीं भी हो सबका टोटल मास जोड़ देना है, इसलिए बोलते हैं मास ऑफ द सिस्टम। जेड कोऑर्डिनेट बोलेगा कि जेड कोऑर्डिनेट लिखिए, तो जेड कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो जेड कॉम बराबर लिखेंगे एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये समझ में आ रहा है, इसको लिखिए। धैर्य के साथ पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए। आराम से सब व्यर्थ है, छोड़ दो। देखो यहां पर सुनो बेटा, देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिए और शायद आपने सुना भी होगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जैसे ये एक्स एक्सिस है, पहले तो ये समझ लो, पहले ये तो बहुत इजी है, ये M1 है ये M2 है और सेंटर ऑफ मास के यहां पर है। सुनो ध्यान से, अगर मान लीजिए कि M1 का पोजीशन वेक्टर दे, कोऑर्डिनेट नहीं बल्कि R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर दिया है, M2 का पोजीशन वेक्टर दिया है और हमसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर पूछी जाएगी, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखना भाई जो भी कर रहे हो, ठीक है, बस ध्यान देना, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, वरना तो फिर अपना जीवन है, पंचवर्षीय योजना दस वर्षीय योजना खूब चलती है। देखिए यहां पर बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो यहां पर बेटा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो कि होता है इन द सिमिलर वे m1 इनटू पहले मास का पोजीशन वेक्टर प्लस m2 इनटू दूसरे मास का पोजीशन वेक्टर, ऐसे अगर मान लो दो से ज्यादा पार्टिकल है तो यही सीक्वेंस कंटिन्यू रखना है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। यहां पर बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, सब लोग जानते हैं, देखिए ध्यान से यह चीज आप लोग सब लोग जानते हैं शायद, कि अगर मैं बोलूं किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है, क्या आप कोऑर्डिनेट जान करके कोऑर्डिनेट अगर आपको बताओ क्या इसका पोजीशन वेक्टर निकाल पाएंगे,
तो वेरी इजी पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हैं वेरी इजी। कैसे? तो ये x कोऑर्डिनेट यानी x कंपोनेंट और ये y कोऑर्डिनेट यानी y कंपोनेंट और ये z कोऑर्डिनेट यानी z कंपोनेंट है ना। अगर ये ओरिजिन है तो, अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 होता है। तो यहां पर बेटा जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हम लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, बिल्कुल ध्यान सुनना, कि बोलेगा कि दो पार्टिकल है, एक का मास m है दूसरे का मास 2m है और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1, 0, -2 और इसका दिया -3, 1, 4 और बोला भैया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास सॉल्व करें। तो या तो तुम सब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट निकालने के बाद पोजीशन लिखो, या डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो कि पहला पार्टिकल है, हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो सर पहले पार्टिकल का ही पोजीशन वेक्टर क्यों ना लिख लें, r1 वेक्टर हमें आता है लिखना, देखिए कोऑर्डिनेट जैसे यहां दिया था तो r1 वेक्टर लिखा, वैसे यहां भी r2 वेक्टर लिखना आता है हमें लाइक ऐसे ही, और फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कह रहा है। तो वेरी सिंपल, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वाला, ये वाला फॉर्मूला, बोलो क्लियर है, पहले यहां तक लिखो फिर आंसर बताओ आपको। क्या बोला? 4.1। अरे बैल बुद्धि आई जे के टर्म्स में बना, 4.1 से करेगा वेक्टर बेटा, आराम से, नो घबराना, नो परेशान होना, भरोसा रखो सब अच्छा ही होगा, आराम से यशो तुम बताओ, बहुत दिन हो गया बेटा जवाब दिए हुए ना, तो बनता है जवाब। कौन बोल रहा है? बोल यशु बोल। -5 i cap + j cap + 1/3 k cap। और अपॉन पूरे में 3। अच्छा बोल बोल। और कोई है मैदान में? ओनली 2j कैप। चलिए बेटा मुंडी को ऊपर करते हैं और आंसर इसका मिलाते हैं, मैं इधर मिटा दे रहा हूं, कुछ लोग तो इसी फिराक में थे कि आप लिखो फिर हम लिख लेंगे, है ना, वो यहीं पर रुक गए होंगे, इसके आगे कलम नहीं चला हुआ उनका। तो चलिए r1 वेक्टर लिखते हैं, पहले r1 वेक्टर कितना लिखेंगे जल्दी बताओ, 1i cap 1i cap 0j cap, तो j cap नहीं लिखेंगे, -2k cap, बोलो क्लियर है, r1 वेक्टर से लिखा, r2 वेक्टर लिखेंगे, r2 वेक्टर कितना होगा, -3i cap - j cap + 4k cap, बहुत बढ़िया, दोस्तों बोलो बहुत। अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो m1
एम वन के लिखेंगे एम आर वन वेक्टर, इसका आर वन वेक्टर कितना आई कैप माइनस टू के कैप प्लस एम टू, एम टू कितना है टू एम। कुछ लोग बेचारे परेशान हैरान है ना, अब आया सेंटर ऑफ मास, अब आया बोलते हैं फीलिंग आ रही है बहुत खतरनाक सी, फोर के कैप, बोलो क्लियर। अब चलिए और अपॉन टोटल मास, टोटल मास इज थ्री एम, एम सेम तो निपट जाएगा। चलिए अब देखिए थ्री टू जा सिक्स, माइनस सिक्स आई प्लस आई कितना होएगा माइनस फाइव आई। चलिए अब जे वाला टू जे, जे तो एक ही जगह है टू जे, अब के वाला माइनस टू और फोर टू जा एट, एट में से टू गया सिक्स, सिक्स के क्या और थ्री अलग अलग कर देते हैं माइनस फाइव बाई थ्री आई प्लस टू बाई थ्री जे और ये थ्री टू जा सिक्स के कैप, थ्री से थ्री टू जा सिक्स टू के कैप, आंसर आएगा माइनस फाइव बाई थ्री आई कैप प्लस टू बाई थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, ये आंसर है। बाई थ्री भी आप लोग कह रहे थे गलत थी, वो भी ठीक है, नहीं आ रहा जैसे कुछ गड़बड़ हो गया था, जे कैप में गड़बड़ हो गया, कोई नहीं प्लीज शांति बना के रखो बेटा, शांति को बना के रखो बेटा, इधर बेटा तो इधर एक्साइटेड बेटा, बेटा पूरा ही लिखेगा ना कंप्लीट लिखो, लिख लिया लक्ष्मी दीदी, हो गया बातें नहीं, बातें नहीं सब बेकार है, सब व्यर्थ है, ठीक है दोस्त। देखिए अच्छा बेटा सुनिए, थोड़ा बहुत हमने सेंटर ऑफ मास में पोजीशन ऑफ पार्टिकल पर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखा है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां पर ये पढ़ा है ना। चलिए दो चार क्वेश्चन और करते हैं जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा सवाल कैसे बनता। अच्छा बेटा चलिए पहला सवाल हम लोग ऐसे करते हैं कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, चलिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों कॉर्नर पे एम मास है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए है, फाइंड पोजीशन ऑफ यानी कोऑर्डिनेट बताना है आपको, ठीक है फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना है वो भी बड़ी ईमानदारी से। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब आप है और आपका प्रश्न है जल्दी से आंसर ढूंढ के बताओ कितना आएगा। बन गया पहले बेटा क्या करो, सबका कोऑर्डिनेट्स लिख लो तभी तो फॉर्मूला लगाओगे, सबका कोऑर्डिनेट्स लिखो तभी बन पाएगा, तीनों पार्टिकल जो है इक्वल मास के उनके कोऑर्डिनेट्स लिखो पहले ना। अच्छा देखिए कैसे लिखते हैं, ये ओरिजिन पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो कॉमा एक्स वाई प्लेन में बेटा। अच्छा बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा जल्दी बताओ, एक्स पर तो ए है और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया जीरो। चलो अब इसका कोऑर्डिनेट देखो, ये आधा ए बाई टू होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ए बाई टू और वाई कोऑर्डिनेट यानी ये वाली लेन। अच्छा ये ए है और ये ए बाई टू है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकलेगी
कितना होगी हाइट, h बराबर पाइथागोरस का अंडर रूट, ये परपेंडिकुलर है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, नहीं समझ आ रहा है? यही जो होगा y कोऑर्डिनेट है, ये लिखना है हम लोग को यहां पर, ये कितना आएगा, 4 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 3a स्क्वायर, यानी रूट 3a बाई 2 आएगा, आएगा ना? चलिए सर हमें इसका भी कोऑर्डिनेट मिल गया, a रूट 3 बाई 2। अब मुझे तीनों पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स अगर मिल गया तो x कॉम लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट m1x1 तो m इनटू 0 0 m इनटू a, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, a है ना, m इनटू a प्लस m इनटू इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, a बाई 2, केवल x कोऑर्डिनेट कितना, अपॉन टोटल मास 3m। टोटल मास तो मासेस कहीं भी हो, टोटल मास अगर सिंपल एडिशन मासेस का, m सेम कैंसिल आउट, m a by 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3a by 2 upon 3, 3 से 3 कैंसिल, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, a by 2, लो क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आया a by 2। अब y कोऑर्डिनेट देखें, y कोऑर्डिनेट तो m into 0, देखिए अब m1 y1 सोचेंगे ना, m into 0 तो 0 प्लस, फिर इसका देखिए m into इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, लिखो लिखो लिखो, खतरनाक प्राणी है, पीछे पीछे लिख रहा है, अरे बोल रहा मैं पढ़ा रहा हूँ, अरे कितना तो लिख रहा है, अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सिखो तो सही, ठीक प्राणी, m into y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 0, a नहीं है 0, अच्छा कुछ लोग चुप हो गया, ये हमारा बस का नहीं है, अभी अभी इधर दे दो, बोल दे दो, जो बोलेगा वही फंसेगा, y कोऑर्डिनेट a रूट 3 बाई 2, a रूट 3 बाई 2 और अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना, 3m, a रूट 3 बाई 6। इस तरह से अरुण भैया सही थे, जो सुन अरुण भैया, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आया a by 2 और y कोऑर्डिनेट आया a root 3 by 6। लेकिन आंसर ऐसे नहीं दिया था, आंसर पता है y कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं दिया था, मैं सही वाला आंसर लिख लूं, बाकी आप अपने उसको देखना, मैंने कहीं गलती किया, a by 2 root 3 दिया था। रूट थ्री अपॉन सिक्स में 2 × 3 लिख सकते हैं, और ये कटेगा तो 2√3 तो नीचे बचेगा। देखते हो कहां तक मुझे सिखाना पड़ता है, कितना बिल्कुल जीरो पे जाके जब धरती पे आके सिखाना पड़ता है कि भाई ये भी सीख लो बेटा। कृपया जल्दी लिखें, अगला प्रश्न इधर मिटा दूं, छोड़ दो। अगला प्रश्न, चलो इस क्वेश्चन को बनाइए सभी लोग, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक रोम्बस है, एम मास का पार्टिकल कॉर्नर पे रखा हुआ है, रोम्बस का साइड ए है और एंगल बना रहा है 60 डिग्री, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है बच्चों,
बातें, बातें नहीं, बहुत हो गया बात, जल्दी बनाना है। पहले क्या करना है, चारों पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स लिख लो, काम खत्म। कोऑर्डिनेट्स ही लिखना है और काम खत्म हो जाता है। a root 3 upon 4, अब तुम बोलो मनोज कुमार सिंह, यही है, और कोई है मैदान में, या दो ही खिलाड़ी है बस, अब बोल बोल भाई बोल, 3 by 4, a i get, plus 2, 3 by 2, a g get, तुम्हारा नाम अमित है, अमित जी हो ना तुम, अमित जी है, तुम्हारा नाम क्या बेटा, अमित यादव जी। चलिए तो चलते बेटा, देखते हैं इस सवाल को, चलो देखो देखो देखो, बहुत हो गया, अच्छा अच्छा प्रयास था, आई अप्रिशिएट, आपका प्रयास बहुत अच्छा था, अब देखिए कहां गलतियां हुई, देखो छोड़ दो, देखो बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो बेटा सभी कोऑर्डिनेट्स, सभी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे, ये ओरिजिन पर है 0, अच्छा देखो ये a डिस्टेंस पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट तो 0, क्योंकि y की तरफ कोई दूरी नहीं। अब इसका देखिए, इसका x और y कोऑर्डिनेट पर आता है, ऐसे पहले लाइन खींच लीजिए, ये a है, अब देखिए इतने दिन से पढ़ रहे कुछ तो आता होगा, ये बेस है, हाइपोटेनियस से तो बेस कितना होगा, a by 2 होगा, अच्छा cos 60 डिग्री आ गया, a cos 60, a by 2, क्या बात है, और ये किस में आ गया, tan में, sin में, sin में आ गया, sin 60 कितना होता है, root 3 a by 2, क्या बात है, आइए इसका perpendicular, ये तो आएगा a by 2, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन से देखते हैं ना, a प्लस a by, नहीं आया, a प्लस a by 2, अरे यार a प्लस a by 2, क्या 3 a by 2 दिखाई दे रहा है, यही आया तक फैल गया, पहले बताओ ये a है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे है वैसे यहां, ये कितना होगा cos, a cos 60 a by 2, ये तो a by 2 हो ना, लेकिन x कोऑर्डिनेट बताना है इसका, x कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो, ओरिजिन से x की तरफ डिस्टेंस, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, a में a by 2 ऐड करेंगे तो मन में जोड़ो ना, बहुत हो तो ऐड कर, मन में कैसे जोड़ते हैं सर, 2a plus a 3a, बड़ी समस्या है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा पंगा है, और कोऑर्डिनेट साइन में, साइन 60 डिग्री रूट 3a by 2, कुछ सोचो इसमें नहीं जोड़ा सर, अरे इसमें नहीं जोड़ेंगे भाई, ऑलरेडी यहां से है ही, बोलो क्लियर, हरी पड़ गया, अरे भारी पड़ गया, क्या चारों पार्टिकल कोऑर्डिनेट लिख दिए, अब आइए एक्स कॉम लिखते हैं, एक्स कॉम बोलो क्या लिखेंगे, एम वन वाई वन, एम इन टू जीरो, एम वन एक्स वन ना, एम इन टू जीरो, एम इन टू ए, एम इन टू ए, एम इन टू ए बाई टू प्लस, और बोलो ना, एम इन टू थ्री ए बाई टू अपॉन टोटल मास, आराम से, चलिए भाई 2 का एलसीएम 2a प्लस a प्लस 3a और अपॉन 4 है, अच्छा भाई 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6, 6a बाई a 3a बाई 4, बोलो क्लियर हो गया, क्या ये समझ में आया, y कोऑर्डिनेट बोलो बच्चों बोलो, आज आपको बोलना होगा m इंटू जीरो जीरो,
m into 0, 0, अरे बोल दो ना, m into root 3a by 2, क्या इसका भी वही आएगा, उससे मल्टीप्लाई करो, टोटल मास कितना लिखो, 4m, क्या बात है, 2 से 2, m से m, root 3a by 4, तो हमारे पास, इसका जो आंसर आएगा, x कॉम का क्या वैल्यू होगा, सॉरी सेंटर ऑफ मास का पूरा कोऑर्डिनेट है ना, हाँ x कोऑर्डिनेट कितना है, 3a by 4, कॉमा रूट 3a by 4, कितना सिंपल सा आंसर है, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अगला सवाल बना लोगे, दे दे सवाल, डर तो नहीं लग रहा है, ठीक चलो मिटाते हैं, आराम से लिखो जल्दी जल्दी, आराम से सोनी दीदी आराम से सब जगह, चलो अगला सवाल ध्यान देना बच्चों, सब लोग ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा बेटा बहुत आराम से सुनना प्लीज, जरा सुनना मैं क्या सवाल दे रहा हूं, मान लो ये एक स्क्वायर है, मान लो ये एक स्क्वायर है और यहां पर बेटा m मास है, यहां पे 2m है, यहां पे 3m है और यहां पे 4m है, और मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इतने क्वेश्चन के बाद बहुत लोगों में मोरल बूस्ट अप नहीं हुआ, मेरे पास जवाब ज्यादा नहीं आए, इसका जो कम से कम एटलीस्ट इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, ताकि आप लोगों का हाथ चले, कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आप अच्छा फील करें, बहुत सारा कैलकुलेशन कराया, अब एक आसान प्रश्न दिया है, जल्दी बनाइए, बोलिए बोलिए, a by 2 comma 7 a upon 10, 3 a by 10, y coordinate बता रहे हो क्या, y coordinate 3 a by 10, बनाइए बनाइए, एटलीस्ट ये सवाल तो कम से कम 100% स्टूडेंट बनाए, ये आसान है, अभी इतना सीखा तो कम से कम ये तो बनना ही चाहिए, हाँ बोलो, a by 2 comma y coordinate बोलो जोर से, दोनों ही a by 2 comma a by 2, सेम है क्या भी, a by 2 comma a by 2, a by 2 comma 9 a by 10, a by 2 comma 7 a by 10, 10 by 7 या 7 by 10, पहले कैसे नोट किया, अच्छा देखिए, अच्छा बेटा ध्यान दीजिए, अब थोड़ा थोड़ा जैसे दिमाग आपका डेवलप होगा, जैसे सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, अच्छा बताओ बेटा, ये m है, ये 4m है, ये 2m है, ये 3m है, अच्छा बताइए इधर की तरफ टोटल मास कितना, m और 4m 5m, इधर की तरफ भी 5m, अब सोचिए इधर भी 5m है, इधर भी 5m, तो क्या दोनों का जो सेंटर मास होगा ये बीच में आएगा, यानी जो x कोऑर्डिनेट होगा वो a by 2 तो होना ही था, अब देखिए ऐसे सोचिए, दिमाग थोड़ा अगर डेवलप करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन न जाने कैसा होगा, मैं तो आपको एक डेवलप करने के लिए मैंने ये बताया, ये क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट जहां हम आसान कर सकते हैं वहां अपने दिमाग को खोपड़ी को यूज करेंगे, एम और फोर एम एक्स कोऑर्डिनेट देखना ना, तो इधर इधर देखते हैं, इधर 5m इधर भी 5m, तो बोले सर जितना 5m इधर उतना ही 5m इधर है,
सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं, a का हाफ a बाई टू, यानी हम बिना सॉल्व के वो x कॉम की वैल्यू a बाई टू लिख सकते थे अगर हम अपनी बुद्धि लगाते तो। बोलो आया समझ में? अच्छा मैं ये यूज करना सिखा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सवाल मिलते हैं जो इस तरह से आप यूज करके बहुत जल्दी पता भी कर सकते हैं। हाँ y कोऑर्डिनेट के लिए आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां 7 है और यहां 3 है। अब अगर इधर और इधर का मासेस सेम होता ना तो फिर y कोऑर्डिनेट a by 2 पकड़ा देते, लेकिन यहां मासेस अलग अलग है तो हम आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। a कॉमा 0, ये बताओ कितना होगा कोऑर्डिनेट्स बेटा जल्दी बताओ, a कॉमा a, और इस कोऑर्डिनेट को लिखिए x की तरफ 0 है ना, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0 कॉमा a। अब y कॉम निकालते हैं, हम सिर्फ y कॉम सॉल्व करेंगे, m इनटू 0 2m into a कितना होगा, 2m into a 2m into a, अरे 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 अच्छा भाई बोलते हैं अच्छा 2m into 0 अच्छा 0 3m into a plus 4m into a। ये पता नहीं सिद्धर दीदी का 9 कहाँ से आ गया है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। कहां से आया था नाइन? अरे यही तो है, यही तो कला है, यही तो कला है, यही नहीं सिखा रहे, ये नहीं पता है, ये तो हमारा आर्ट है। आराम से धैर्य रखे बच्चों, मिटा दें, आराम से मनोज कुमार सिंह छोड़ दो। अब लिखो एक सवाल, लिखो जो मैं बोल रहा हूं, लिख लिया इसे। हाँ चलिए लिखो, अ सिस्टम हैविंग थ्री पार्टिकल्स, अ सिस्टम हैविंग थ्री पार्टिकल्स 2 ग्राम कॉमा 3 ग्राम एंड 5 ग्राम एंड 5 ग्राम। द सिस्टम हैविंग थ्री पार्टिकल्स, लिख लिया फुल स्टॉप। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम लाइज एट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम लाइज एट 2, -3, 4 2, -3, 4 लिख लिया, ब्रैकेट में ले लेना, ठीक है फुल स्टॉप। वेयर शुड बी द फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास, वेयर शुड बी द फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम बी प्लेस्ड सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल्स, सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल्स lies at origin, आप पहले अपनी बुद्धि लगा लो, एक मिनट समय दिया बुद्धि लगाने का। हेलो आंसर बता रही है क्या सोनी दीदी? छोड़ दो बातें मत करो, कुछ लोग तो सोचे चले इस साल नहीं तो अगले साल, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा तो ऐसे ही हो जाएगा, हाँ। क्या बात है, बताओ आंसर बताओ। -2 प्लस का 4 का माइनस 4 प्लस का हो गया, बात खत्म।
आगे बेटा थ्री कॉमा माइनस फिफ्टीन कॉमा टेन फिफ्टीन अपॉन टू कॉमा टेन माइनस टू कॉमा थ्री कॉमा माइनस फोर। चलिए बहुत अच्छा दिमाग लगाया, पूरा ब्रह्मांड का दिमाग लगा दिया, ठीक है, कुछ लोगों ने भी लगा रखे हैं बिल्कुल। सुनिए बेटा इस क्वेश्चन को सुनिए, मैंने ये बोला कि पहले सिस्टम में तीन पार्टिकल है, कौन कौन है, टू ग्राम थ्री ग्राम एंड फाइव ग्राम। अच्छा सुनो सुनो पहले सुनो, इस सिस्टम में तीन पार्टिकल है और तीनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मैंने दिया टू कॉमा माइनस थ्री कॉमा फोर। यानी सोच के चलो बेटा कि तीन पार्टिकल का सिस्टम है और उसका सेंटर ऑफ मास यहां है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है, यानी टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन। तो हम बोले कैसे फील करेंगे, अच्छा टेन ग्राम का ये टोटल मास पकड़ लो ना, टू थ्री फाइव का इधर उधर होगा, उसका टोटल सेंटर मास यहां पर, टोटल मास यहां पर है, टोटल मास यहां पर कंसंट्रेटेड है जिसका कोऑर्डिनेट है टू कॉमा माइनस थ्री कॉमा फोर। अब बोला ध्यान से सुनना, अब फोर्थ पार्टिकल इस सिस्टम में लाया गया, अब नया सिस्टम चार पार्टिकल का बोलना है, बोला है कि द न्यू सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल, यानी अब चार पार्टिकल का सिस्टम है और उस चौथा पार्टिकल जो फोर्थ पार्टिकल उसको कहां रखे, वो टेन ग्राम का है, उसको कहां रखे ताकि सेंटर मास ओरिजिन पर आ जाए। अब हमें सोचना है कि दो तीन पांच का टेन ग्राम का तो पार्टिकल है ही, इसका सेंटर मास यानी सोचेंगे एक पार्टिकल है जो कि यहां पर है और चौथा पार्टिकल भी 10 ग्राम का है, इसका x, y, z कोऑर्डिनेट कितना हो ताकि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर आ जाए, ओरिजिन पर आ जाए। तो हम बोलेंगे सर अब सोचो दो पार्टिकल हो गया, तीनों को हटा के एक 10 ग्राम समझ लिया, फोर्थ पार्टिकल 10 ग्राम है तो x कॉम होता है m1 x1 10 into 2 20 प्लस 10 into x 10x upon total mass 10 plus 10 20 x com is 0 0 into 20 0 20 plus 10x so 10x बराबर minus 20 x की value minus 2। सर x coordinate इसका माने जो चौथा पार्टिकल फोर्थ पार्टिकल है इसका x है, देखो यार सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल का मालूम था, नहीं आई बात समझ में, तीन पार्टिकल को मिला के एक पार्टिकल सोचो ना 10 ग्राम, उसका कोऑर्डिनेट मालूम है, चौथा पार्टिकल कहां रखे ताकि सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का चार पार्टिकल का सिस्टम का यहां पर आ जाए ओरिजिन पर। अब जैसे x कोऑर्डिनेट आया माइनस टू, अब y कोऑर्डिनेट, अच्छा वैसे भी सोचो ना कि 10 और 10 है तो सेंटर ऑफ मास की तरफ एक 10 ग्राम इधर होगा तो सेंटर ऑफ मास पर सेम डिस्टेंस पे इधर 10 ग्राम होगा, यानी कोऑर्डिनेट्स उल्टा कर देंगे, 2 का माइनस 2 माइनस थ्री का फोर, सॉरी थ्री और फोर का माइनस फोर। अब y कोऑर्डिनेट सॉल्व करो इसी मेथड से सेम पहुंचोगे। अच्छा अगर मान लो मैं बोलूं 12 ग्राम तो क्या आंसर सेम देते हैं, फिर सॉल्व करना पड़ता, बिल्कुल इस मेथड से सॉल्व करके x कॉम निकालते हैं। घबराहट हो रही है, लिखो लिखेंगे बेटा ईमानदारी से, जोर से बोलो, पहले बताओ क्या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीख गए, एनी घबराहट बबराहट, चलो लिखिएगा। मिटाया जाए, हाँ वाई कॉम निकालो लक्ष्मी दीदी जल्दी, वी आर बेटी वाई कॉम एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू, एम वन में टेन इंटू माइनस थ्री प्लस टेन इंटू वाई
y निकालना है अपॉन टोटल मास 20, y को मालूम है जीरो। हाँ सॉल्व करो, देखो वही पहुंचोगी, 3 आएगा, 3 आएगा ना, मिटा दो बेटा, लेटा हुआ है तो लेट गया है, ठीक है ना मनोज कुमार सिंह, नींद आ रही है ना? अरे कल तो वे लड़की बिचारी एकदम लास्ट में सर अपना है, जब सर मत पढ़ा सर, मतलब तो नहीं एब द लिमिट हो गया सर। लिखो शाम शाम, देखो बेटा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। अरे सुनो सुनो, अरे मेरी बात सुनो भाई, हाँ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, प्लीज छोड़ दो सब बाहर वालों को छोड़ दो, रहने दो। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, यानी आप सोच रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास में कितना अच्छा सा पोर्शन एक निपट गया पार्टिकल का, अब हम रिजिड बॉडी पे आ गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, पहली बात तो बेटा अगर कोई रिजिड बॉडी है, जैसे सपोज दैट दिस इज अ रिजिड बॉडी, हमारे दिमाग में ये सुनते ही एक ख्याल आता है, ये सुनते ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि व्हाट इज रिजिड बॉडी, आता कि नहीं आता क्या? रिजिड नहीं आता क्या? अच्छा नाम से क्या रिजिड, रिजिड का मतलब होता है ठोस, यानी सेप नहीं बदलेगा, ये ना मतलब हुआ, तो सही सोच रहे हैं, बस उसमें एक चीज और एड ऑन कर लीजिए, इसका शेप नहीं बदलेगा मोशन के द्वारा। तो फिर सवाल उठता है कि कुछ और भी है क्या रिजिड बॉडी में? हाँ है, एक चीज और है, सुन लो ध्यान से, रिजिड बॉडी कहते किसको है? हम यहाँ रिजिड बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश कतई नहीं करेंगे, है ना, वो हम इलास्टिसिटी में करके दिखाएंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, व्हाई वी से दैट रिजिड बॉडी डायनामिक्स, I will say that the motion of the rigid body, actually क्या होता है rigid body कहते किसको है? वो जो आप सोच रहे ठीक है, एक चीज और एड ऑन कर लीजिए, rigid body होता है कि ये जो पार्टिकल है कोई पॉइंट पकड़ लो A, तो A के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा पार्टिकल देखो, अब ये rigid body के अंदर ही दूसरा पॉइंट B है, rigid body का मतलब होता है जब A के रिस्पेक्ट में B की पोजीशन ना चेंज करे। रिजिड बॉडी वह बॉडी जिसके अंदर कोई भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट की पोजीशन वेक्टर कभी ना बदले, ए हमेशा बोलेगा चाहे बॉडी मोशन करे, उठा के पटक दो, फेंक दो, मोशन कर रहा है, भाग रहा है, रोल कर रहा है, पहिया बना दो, कुछ भी बना दो, ए के रिस्पेक्ट में बी बोलेगा तू मेरे से इतनी दूर पर यहीं पर है, इसके अंदर यही होगा, बार बार ये बोलेगा बी तू मेरे से इतने डिस्टेंस पर और इधर ही है, हर बार नहीं आ समझ में, यानी ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, ये मतलब। और सुनो बेटा बहुत होगा, मोशन अगर हो रहा है तो ए के रिस्पेक्ट में बी कभी मोशन नहीं करेगा, बहुत होगा तो ए के रिस्पेक्ट में बी केवल सर्कुलर मोशन कर सकता है बस, नहीं आ समझ में। जैसे मैं कहूं रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी एक रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन कभी नहीं बदले, ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा, कभी नहीं बोलेगा, एक रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन, ये कुर्सी है रिजिड है, इस हैंडल के रिस्पेक्ट में ये जो हो रहा है ये सीट है, ये कभी नहीं चेंज करेगी, ये हमेशा बोलेगा 2 मीटर के डिस्टेंस पर भाई और डायरेक्शन तुम इधर ही हो, अब कुर्सी का उल्टा कर दे तो भी कोई फर्क, ये फिर बोलेगा 2 मीटर इधर और इधर ही तुम डायरेक्शन, नहीं समझ में आया? ये पेन देना जरा प्लीज, अब ये रिजिड बॉडी है, इसके इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ढक्कन की पोजीशन इधर ही हो इधर ही रहोगे, अब चाहे ऐसे मोड़ दो इधर ही रहोगे, क्या इसके रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन बदलेगी? नहीं बदलेगी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी, ये सेंस है, मेरी बात समझ में आई? दूसरी बात सुनो ना, मोशन, मोशन ये हो सकता है
रिजिड बॉडी कभी भी मोशन करेगा, रोटेट करेगा, सामने भागेगा, मोशन चाहे जैसा भी हो, ये बोलेगा ए के रिस्पेक्ट में बी आइदर एट रेस्ट और मूविंग इन सर्कुलर मोशन, बस ए के रिस्पेक्ट में या तो ये रेस्ट में रहेगा या सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ नजर आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा काम नहीं होगा। या तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या लगेगा बेटा, रेस्ट में, और या नहीं तो सर्कुलर मोशन ही होता है। अरे तू यहां पर था, अच्छा 2 मीटर डिस्टेंस, अच्छा 2 मीटर फिरा गया, फिर 2 मीटर, यही ना होगा भाई। जैसे आप कोई बॉडी घुमाते हो, ये डिस्क है, ये सेंटर है, आप इसको रोटेट कराते हो, डिस्क इज अ रिजिड बॉडी। अब ये कोई पॉइंट ए है, अब ये कोई पॉइंट ए है, 2 मीटर यहां पर आएगा, 2 मीटर होगा ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, सेंटर के रिस्पेक्ट में, ए का हमेशा पोजीशन, डिस्टेंस पोजीशन का मैग्नीट्यूड वही है, पोजीशन का मैग्नीट्यूड वही है, बस ज्यादा ज्यादा सर्कुलर मोशन करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए बोलेगा कि मैं यहां पर हूं तू दूर जा रहा है, पॉसिबल है क्या? अगर बी दूर जाएगा तेरी बॉडी एक्सपैंड हो रही है तो रिजिड बॉडी नहीं होगी, बी पास आ रहा है तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मोशन या तो होगा तो सर्कुलर ही होगा और नहीं होगा फिर उसके बाद, दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो रेस्ट में रहेगा या फिर सर्कुलर मोशन करेगा। तो कभी इस प्रकार का थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि रिजिड बॉडी में एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का मोशन कैसा हो सकता है, ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, इलिप्टिकल, सर्कुलर, तो हमारा आंसर होगा सर्कुलर, हो सकता है तो सर्कुलर ही होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। बोलो क्लियर हुआ? कितना अच्छा थ्योरेटिकल सवाल का जवाब दिया, यह रिजिड बॉडी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। बोलो समझ में आ गया? अब सुनिए बेटा, यहां पर रिजिड बॉडी का मुझे सेंटर ऑफ मास बताना है, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, रोटेशन इसके बिना कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, रोटेशन में तो सेंटर ऑफ मास बात बात पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि रोटेशन में जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास से कहीं और लग रहा है, इसीलिए बात बात पर इस्तेमाल होता है। अब यहां पर बेटा सबसे पहली बात, रिजिड बॉडी का मुझे सेंटर ऑफ मास बताना है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, काउंटेबल नहीं है, ऐसा तो ना कि पार्टिकल सर m1 x1 m2 x2 करते चले जाओ, मेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे इसके अंदर, और फिर बोला गया कि भाई बताइए कैसे करें। तो यहां पर बेटा मुंडी ऊपर करके यहां पर हम क्या करते हैं, एक वेरी स्मॉल एलिमेंट मानते हैं, ये जो एलिमेंट बोलते हैं ना वेरी स्मॉल एलिमेंट, उस एलिमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ ऐसा एलिमेंट यानी बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट वैसा हो जिसके जुड़ने से ये पूरी बॉडी बन गई हो, दैट्स व्हाई कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट का होता है कि वो छोटा सा पोर्शन जिसके ऐड करने से ये पूरी बॉडी बनी है, जैसे कि एक पिक्चर में रावण, एक पिक्चर आता शाहरुख खान वाला, आपने देखा था वो? उसमें पूरे रावण की बॉडी एक छोटा सा क्यूब था, उससे छोटा वो पोर्शन नहीं था, वही एलिमेंट्री, एलिमेंट में कहता है स्मॉलेस्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, वो क्यूब था, क्यूब के एक पर्टिकुलर जॉइंट से वो पूरा रावण का बॉडी बना, वही होता बेटा, एक स्मॉल पोर्शन उससे छोटा नहीं है, यही छोटा सबसे छोटा, और आइडेंटिकल ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल है ना, आइडेंटिकल, देखो ना रावण की बॉडी ऐसे ऐसे बहुत सारे क्यूब मिले थे, सब आइडेंटिकल शेप के थे, उसी तरह सब आइडेंटिकल शेप के ऐसे ऐसे बॉडी को जोड़ दिया गया तो ये पूरी बॉडी बन गई। हर बॉडी का, हर रिजिड बॉडी का अपना एक एलिमेंट्री पोर्शन होता है, उस जैसे एलिमेंट्री पोर्शन तुम रख लो सामने, उसको जोड़ दोगे वो चीज बन जाएगी। जैसे कि एक डिस्क, डिस्क का एलिमेंट्री पोर्शन क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं रिंग, छोटा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, बन गया। एक स्क्वायर प्लेट का क्या होगा एलिमेंट्री पोर्शन, तो पतली सी पट्टी, स्ट्रिप, ये रॉड जैसा, ये ऐसे ऐसे जोड़ते जाओ बन गया, या छोटा छोटा स्क्वायर भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि कोई जरूरी कि एक ही रहेगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है 2-3 तरह के एलिमेंट, जैसे सर ये मान सकते हैं ठीक है भाई, या कुछ और तरीका, तो हाँ तरीका एक बार है, छोटा रॉड फिर बड़ा रॉड फिर बड़ा रॉड फिर बड़ा रॉड फिर बड़ा रॉड, बड़ा बन जाएगा डिस्क, नहीं आया समझ में? अब जैसे मान लीजिए स्फीयर है, अगर मैं बोलूं हॉलो स्फीयर, बोलो इसका एलिमेंट्री पोर्शन कैसा होगा, जल्दी बताओ बच्चों, रिंग, बड़ा रिंग, उससे छोटा रिंग, और छोटा रिंग, और छोटा रिंग, और छोटा रिंग, इधर भी छोटा रिंग, छोटा रिंग, छोटा रिंग, छोटा रिंग,
सॉलिड स्फीयर है, इसका क्या होगा एलिमेंट्री पोर्शन, कैसा शेप का होगा एलिमेंट्री पोर्शन? डिस्क, बड़ा डिस्क, उससे छोटा डिस्क, सिक्का, छोटा सिक्का, बड़ा सिक्का, बड़ा सिक्का, बड़ा सिक्का, सबसे बड़ा सिक्का, फिर छोटा सिक्का, छोटा सिक्का, छोटा सिक्का, छोटा सिक्का, बन गया स्फीयर। दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्री शेप, एलिमेंट्री पोर्शन। नहीं आया समझ में? अब यहां पर मुंडी पर करना, मुंडी पर करना, कंसेप्ट बनता है ईमानदारी से, क्या बनता है बेटा कंसेप्ट मुंडी पर? छोड़ दे मनोज कुमार सिंह, तुम तो हंसता रहता है गेमिंग से बोल बोल के, तुम लोग का दोस्ती इतना ज्यादा है तो तुम लोग भर पे क्या नहीं बार बात करके आता भाई, खूब बातें मजाक करती रहती। देख केवी देख, बहुत परेशान करता तुम केवी को, अब हम केवी के साथ है, टेंशन तो केवी है। देखो अब बेटा ये एलिमेंट्री पोर्शन है, क्या बेटा? वेरी गुड। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, तो देखो कैसे इसकी मदद से मैं पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता कर लूंगा। तो देखो ये तरीका है सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो हम क्या करेंगे उस एलिमेंट्री पोर्शन का मास है डीएम इन टू। अच्छा एक चीज और बताओ, तुम लोग उसे नहीं पचेगा, मैं फिर भी बोल देता हूँ, बता देता हूँ, जो एलिमेंट्री पोर्शन होता है इसका अपना भी खुद का सेंटर ऑफ मास होता है। नहीं छोड़ दो, उसका भी अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है, लेकिन भूल जाओ अभी, तुम भूल जाओ अभी, तुम मानो डीएम है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वो हम समय आने पे बोलेंगे। और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ऐड करना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मासेस का मास इनटू एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करना, m1 x1 + m2 x2 का ऑर्डर है अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, यहां लिख देते हैं 1 अपॉन m dm into y, by taking the proper limit we can solve it, अभी करेंगे दो तीन कहीं, अभी करेंगे, छोड़ोगे नहीं क्या? लिखो बेटा लिखो, पहले लिखो फिर बात करते हैं। कल अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाएगा, कल सेंटर ऑफ मास, नेक्स्ट लेक्चर नहीं हुआ तो थोड़ा सा मंडे को आधे घंटे का बचेगा तो ज्यादा ज्यादा बचेगा, यानी अगले वीक में मैं रोटेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? संडे को क्लास नहीं है, मैं तो भूल ही गया था संडे को क्लास है। टेस्ट वैसे मतलब नहीं, इस बैच का टेस्ट नहीं हो रहा है, इस बैच का टेस्ट नहीं है तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगे। अच्छा हम लोग क्लास का टाइमिंग पहले डिसाइड कर लेते हैं, 10 से 1, रोटेशन पढ़ा रहे हैं संडे को, ठीक है? ऐसा समझो संडे को रोटेशन पढ़ा रहे हैं, मिटा इसे। देखिए हाँ, अरे सुनिए सुनिए, अरे एक मिनट, ये भी कुछ कह रहे भैया शांत रहो ना, जान बात कर करके बोलो के भी सुन ले ना। डीपीपी बटवा दो, इसका डीपीपी का वो जो 240 वाला था वर्क एनर्जी पावर एंड सेंट्रल सेंट्रल मोशन, उसका सोल्यूशन नहीं नहीं ना 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 बेटा, अभी तो सिलेबस को आगे बढ़ाना है ना भाई, आप ही समझ रहे हो। अच्छा ठीक है ओके, उसका सोल्यूशन देगा, आई एम हियर, ठीक है मिल जाएगा तुम्हें, मिटा दे पहले इसे।
अभी पढ़ा रहा टेंशन मत लो, पढ़ा रहा। देखो अब कम का मतलब क्या है, हमको एक कंप्यूटर है भाई, कमांड दिया नहीं कि फटाक से तुरंत आ जाएगा रिजल्ट, रुक जाओ, इंसान है अपने तरीके से करेंगे। ध्यान दो, सुनी की थी छोड़ दो, 240 क्वेश्चन। अच्छा बहुत लोग तो छुए भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, कुछ के तो आधे गायब हो गए होंगे शीट, डीपी का अगर 10 पेज होगा तो 5 पेज गायब हो चुका होगा। कितने बहुत है, देखो बहुत है। अच्छा मैंने ये बोला था, है चाचा मैंने बोला था डीपी पीपी जो लाइन से बना लेगा उसको फिर भविष्य में कभी 2 चैप्टर में तो दिक्कत नहीं आएगी, ये मैंने बोला था। और रोटेशन कंप्लीट होते हुए फिर इसी प्रकार की 250 या 250 या 200 का आपको फिर से एक शीट मिल जाएगी। आपके पास मौका है, तुम कम वक्त एनएलएम के पीछे लगा पड़ा, इतना सारा चैप्टर हो गया तुम्हें, वो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा एक चीज और, अगर डेली तुम 15-15 भी बनाते ना, 15 और 15 भी बनाते, 15 क्वेश्चन, तो 10 दिन में 150 पहुंच जाते, नहीं पहुंच जाते? सोचो तुम बनाते ही नहीं हो, मॉड्यूल बनाओ उसके बाद 15 क्वेश्चन फुर्सत में बना दो। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पहली बार ध्यान हुआ ये। देखिए सबसे पहली बात बेटा, ए सुनो चाचा, देखो ए देखो इधर सुनो प्लीज, जिसका हो गया वो निकल लो। देखिए ये डॉट है बेटा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास मुझे बताना, और ये यूनिफॉर्म रॉड है। देखिए मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके ही एग्जाम में वो मैं कराता हूं। पहले ये क्वेश्चन देखिए, अब मान लीजिए इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बताना है, तो कोई भी बोलेगा सर यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो एक आपको एक कंसेप्ट डेवलप होगा। देखिए इसमें करते क्या, सपोज दैट ये वाला एंड ओरिजिन पर और ये इधर एक्स एक्सिस पे है रॉड। अब यहां पर बेटा हम कैसे इसका, ये तो रिजिड रॉड है मतलब रिजिड बॉडी है, इसमें तो पार्टिकल काउंट नहीं कर पाएंगे। तो कंसेप्ट है कि आपको एक स्मॉल एलिमेंट मानना पड़ेगा, यहां स्मॉल एलिमेंट ऐसा मानेंगे एच डिस्टेंस पर स्मॉल पोर्शन dx, इसका लेंथ है dx और मास है dm। अब बेटा यहां पर ऑब्वियस सी बात है y कोऑर्डिनेट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे x कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है टोटल मास ऑफ द रॉड 1/m और dm इनटू x कोऑर्डिनेट। तो यहां पर 1/m dm, dm का मतलब जो छोटा पोर्शन उसका मास, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल dm इनटू x आ रहा ना। तो देखिए dm की वैल्यू, l लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास क्या m / l होगा, तो dx लेंथ में मास m / l dm। ये dm की वैल्यू यहां लिखते हैं, ये सब आना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। और dx इधर लिख देते हैं, अब m / l बाहर कर लेंगे तो x कॉम हो जाएगा, m / l बाहर करेंगे और अपॉन m नीचे है ये, और x dx का डिवीजन क्या होगा बेटा, और x की लिमिट क्या लिखेंगे 0 से l, क्यों भाई, जैसे ये एलिमेंट यहां मानोगे तो 0 और यहां तक मान सकते तो है 0 से m से m कैंसिल, x कॉम आ जाएगा 1/2 बाहर कर लो 2l और अपर लिमिट l स्क्वायर, देखिए अपर लिमिट l है तो x की जगह l स्क्वायर -0 का स्क्वायर 0, l स्क्वायर / 2l, l से l कैंसिल आउट, x कॉम आ गया, देखिए आगे नहीं आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पहले से पता था, लेकिन इस क्वेश्चन में मास कैसे निकालते हैं, ये इंटीग्रेशन का क्या था कहानी है ये, अब इसी क्वेश्चन में जरा सा एक प्रश्न पैदा किया गया, पहले लिख लीजिए। तो ठीक है बेटा, इसके बाद बाकी बातें करेंगे कल, ठीक है। जरा बंद कर दो।